अरे परदेसी साथ क्या निभाओगे तो बाबू बीजेपी वाला भी तो हमारा वही आया बंबई से चलू लाइक दुनिया से और कुछ आ साहब भी आए तो गनवा है ना भैया तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे सुबह वाली गाड़ी से पता नहीं कहाँ चले जाओगे चले जाएंगे। हाँ पता नहीं कहा श्याम सर जिंदाबाद है श्याम अरे कुछ नहीं करेंगे अपना विकास किए तड़ी पार है एलआरएचएम घोटाला में है एलआरएचएम घोटाला में है सबकी जांच है सबकी डेट है भैया बात बहुत हो बयान हो जाए कहा जाता जो ब्राह्मण है बीजेपी की तरफ है ब्राह्मण लोग यह आपकी गलत अवधारणा है। यह अवधारणा बनाइए कि ब्राह्मण जहाँ जाता है वहीं सरकार बनती है। ठीक है ब्राह्मण किसी के बाप की बपौती नहीं है ना हम बीजेपी के हैं ना सपा के हैं ना बसपा के हैं। ठीक है हम किसी के नहीं है ना किसी की नौकरी किए हैं और ना किसी के बंधुआ मजदूर हैं लेकिन यहाँ रहते नहीं है वो जीतेंगे फिर चले जाएंगे या हारेंगे तो लेकिन हम श्याम सिंह यहीं के हैं यहीं रहेंगे यहीं हमेशा डेली मिलते रहेंगे। श्याम सिंह यादव जैसा आदमी कर सकता है जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में MSc प्योर मैथमेटिक्स के पर्चे में 100 में 100 पाया है वो दे सकता है। मैं नसीहत दे सकता हूँ मोदी जी क्या देंगे मोदी नहीं दे सकते। हाँ। सर। हूं मन की बात तो वहीं तक जैसे जिसकी जो औकात हो सर इसलिए मैं आज कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी बिरादरी के बीच आया हूँ वकील बिरादरी के बीच आए हैं यादव बिरादरी ना समझिए। नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी जौनपुर में है और लोकसभा चुनाव का जो है अपने सबाब पर है। जो प्रत्याशी हैं वो लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं जनता से जो है जन समर्थन मांग रहे हैं। ऐसे में यहाँ जो बसपा प्रत्याशी और सांसद श्याम सिंह यादव जो है कलेक्ट्रेट में पहुँचे अधिवक्ताओं के बीच पहुँचे और लोगों से जो है जन समर्थन मांगा। सर इसलिए मैं आज कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी बिरादरी के बीच आया हूँ वकील बिरादरी के बीच आए हैं यादव बिरादरी ना समझिए यादव तो उस तरह से टेकनी बिरादरी मेरी बिरादरी पूरी समाज के लोग हैं हम सबको अपना समझते हैं सबको बराबर समझते हैं सबसे मोहब्बत करते हैं और जो भी मेरे पास आया सबसे दिल लगा के उनका काम करते हैं। सर मोदी जी का जो है राम मंदिर पर बड़ा फोकस रहता है धारा 370 पर बड़ा फोकस रहता है। कल आप बोले कि 5 किलो राशन तो जनता गुमराह हो रही है तो राम मंदिर पर क्या कहेंगे धारा 370 पर क्या कहेंगे। देखिए मोदी जी को बोलना चाहिए महंगाई पर बेरोजगारी पर गरीबी पर किसान आत्महत्या कर रहा है उस पर एजुकेशन में के स्टैंडर्ड पर स्वास्थ्य पर मन की बात में करते हैं सर मन की बात करते हैं मन की बात के पीछे उनका मतलब है कि मोदी जी का आगे लॉन्ग टर्म प्लानिंग है वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान का हर बच्चा नौजवान बूढ़ा मोदी मोदी जाने उसका भी देखे वो अपने सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर को भी कैमरे के सामने नहीं आने देते इसके पीछे उनका बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। और जो मन की बात करते हैं तो कभी कभी तो बेबुनियाद करते हैं बेसिर पैर की बात करते हैं। जैसे एक दिन बच्चों को सारे स्कूल के बच्चों को वो समझा रहे थे उस समझाने में कहते हैं कि पहले कठिन सवाल करो फिर सरल सवाल करो तो मोदी क्या इम्तहान दिए हैं यही नहीं मालूम जनता को न तो वो कभी बताते हैं उसके बारे में गरीब उसे चाय बेचते थे अरे वो क्या थे क्या करते थे हमेशा कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं कभी कहते हैं कि मैं हाई स्कूल फेल था वो उनके गृह मंत्री वो उनके MA की डिग्री दिखाते हैं तरह तरह की बातें हैं कभी कहते हैं कि मैं फला स्टेशन पर चाय बेचता था वो स्टेशन ही एग्जिस्टेंस में आया अभी 15-20 साल पहले कभी कहते हैं कि मैंने 35 साल भिक्षा मांगा कब 35 साल भिक्षा मांगा और वो जहाँ पढ़े हैं हम तो जब MP हुए तो जो मेरे साथ हाई स्कूल में पढ़ा था इंटर में पढ़ा था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा था ऐसे सैकड़ों लोगों ने मेरा नंबर खोज करके बताया कि मैं आपके साथ यहाँ पढ़ा हूँ और आपका मैं क्लासमेट हूँ। उनका तो कोई
सहपाठी ऐसा आज तक बयान दिया नहीं कि मैं मोदी जी के साथ पढ़ा हूँ। और कैडेट का भी छोड़ो, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, किसने पढ़ाया मोदी को आज तक ये भी नहीं मालूम, मोदी जी का कौन गुरु था ये भी नहीं मालूम, तो वो सब छोड़ दीजिए। मैं जो कह रहा हूँ मन की बात, तो वहीं तक जैसे जिसकी जो औकात हो, भले प्राइम मिनिस्टर हैं लेकिन बच्चों के एग्जाम के समय औकात ये है, अगर उनको कहना ही चाहते हैं तो ये कहें कि धैर्य रखो, जनरल चीज़ें कहें, जल्दी सो, जल्दी उठो, धैर्य रखो, घबराओ नहीं, ये सब जनरल चीज़ें कहना चाहिए। अब कहते हैं कि पहले कठिन सवाल करो फिर सरल सवाल करो, तो उसका तो बंटा धार हो जाएगा भाई, बच्चा समझेगा, इमेच्योर माइंड है अभी, कच्चा है, वो तो समझेगा प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि कठिन सवाल करो, उसी में फंस जाएगा, दो घंटे तीन घंटे वो तो सवाल ही नहीं कर पाएगा। उस ऐसे बच्चों को नसीहत देने का काम श्याम सिंह यादव जैसा आदमी कर सकता है, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में MSc प्योर मैथमेटिक्स के पर्चे में 100 में 100 पाया है, वो दे सकता है। मैं नसीहत दे सकता हूँ, मोदी जी क्या देंगे? मोदी नहीं दे सकते। दो सांसद के प्रबल दावेदार जो फिर कभी लौट के नहीं आएंगे जौनपुर में, तो मेरा मानना है कि शंकर सिंह भाजपा से हैं, सपा से बाबू सिंह कुशवाहा हैं। मैंने प्रबल दावेदारों की बात कही, ये दोनों जौनपुर में लौट के नहीं आना, इन्हें जीतने के बाद भी हारने के बाद भी, तो इस परिस्थिति में शंकर सिंह कहते हैं हम जौनपुर के निवासी, जौनपुर के माटी हैं, कभी रहते जौनपुर में थोड़े अभी नहीं रहे, हम कहते हैं जौनपुर के माटी के लाल, जौनपुर के माटी के लाल पैदा हुए थे लेकिन यहाँ रहते नहीं है, वो जीतेंगे फिर चले जाएंगे या हारेंगे तो, लेकिन हम श्याम सिंह यहीं के हैं, यहीं रहेंगे, यहीं हमेशा डेली मिलते रहेंगे श्याम सिंह को। मुंबई का विकास बहुत किया हूं, अब जौनपुर का विकास करूंगा। ठीक है, वो जब रहबे नहीं करेंगे तो विकास क्या करेंगे, इसलिए जो यहां रहेगा उसको आप लोग भारी मतों से विजयी बनाओ, जो हमेशा यहाँ मिलता है, जो सदन में हमेशा उपस्थित रहता है, आज वो सब वो आज आए हैं, यहाँ चले जाएंगे चाहे जीतेंगे चाहे हारेंगे। हाँ, और यहाँ ये हमेशा 24 घंटा मिलने वाले हैं, और सबसे योग प्रत्याशी है, इससे ज्यादा योग कोई प्रत्याशी जौनपुर में नहीं है। हलवा औलत तुम तो ठहरे परदेशी, साथ क्या लिभाओगे? तो बाबू बीजेपी वाला भी तो हमारा वही आया बम्बई से, चलू लाइक दुनिया से, और कुछ आस आप भी आए, तू गलवा है ना भैया, तुम तो ठहरे परदेशी, साथ क्या लिभाओगे? सुबह वाली गाड़ी से पता नहीं कहाँ चले जाओगे, चले जाएंगे। हाँ पता नहीं कहा, श्याम सर जिंदाबाद है, अरे कुछ नहीं करेंगे, अपना विकास किए, तड़ी पार है, एलआरएचएम घोटाला में है, एलआरएचएम घोटाला में है, सबकी जांच है, सबकी डेट है भैया, बात बहुत बयान हो जाई। श्याम सर जिंदाबाद है, जिंदाबाद थे, जिंदाबाद रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। सर क्या कहना चाहेंगे आज आप लोग जो है जनसमर्थन मांगने निकले हैं, क्या कहना चाहेंगे आज, क्या माहौल देखते हैं? आज हम कलेक्ट्रेट में माननीय सांसद जी के साथ भ्रमण कर रहे हैं, ये हमारा अधिवक्ता समाज है जो कि समाज का सजग प्रहरी है, और आपने 5 साल में सांसद आप जनता ने चुना, और उन्होंने अपनी बात को जनता के नुमाइंदा बन करके सदन में जिस बारीकी से बात किया है, 50 साल हो गया, 50-60 साल तक कोई मुझे ख्याल है जहाँ तक कोई भी MP कोई भी सांसद जनपद जौनपुर की, अपने समाज की, अध्यापक बंधुओं की, अध्यापकों भी कोई समस्या लोकसभा में नहीं उठा पाया। लोग जाते हैं केवल खाकर सोते हैं, साझ करते हैं, TADA भत्ता लाते हैं, तेरही बरही करते हैं। माननीय सांसद जी 8 बजे 9 बजे सुबह से लेकर के और जब तक सदन नहीं चलता है, और तब तक इन्होंने सदन की कार्यवाही में विधिवत भाग लिया, और साथ साथ जनपद की सारी समस्याओं को उन्हें उठाया, अब विधिवत उठाया, और जिसके लिए नुमाइंदा बनकर आपने भेजा, इसलिए जो लड़का टॉप करता है उसी का नाम निकलता है। उस तरह से लोकसभा में जो सर्वे हुआ, तो इस 16वीं लोकसभा है शायद, कौन लोकसभा है, 17वीं लोकसभा में इनका जो है केवल एक दिन अनुपस्थित होने के कारण इनका नंबर 2 नंबर आया, और इनसे ऊपर केवल एक ही सांसद रहा जो कि लोकसभा में अपना प्रदर्शन किया। इन्होंने बारीकी से हर ढंग से समाज के लोगों में यादव रेजिमेंट की तक की बात किया, और इन्होंने समाज अध्यापकों की बात किया,
शिक्षा मित्रों की बात किया, टीचरों की बात, रेजिमेंट की बात तो दिनेश लाल यादव निरहुआ ने वादा किया था कि वो बात करेंगे, लेकिन सांसद बनने के बाद वो बात नहीं करते। नाम से ही गुण पहचाना निरहुआ, जब आपने शब्द कह दिया तो उसका नाम से ही हो जाता है, कलुआ क्या होता है, मलुआ क्या होता है, जब उसका नाम निरहुआ हो गया तो समाज जानता है वो निरहुआ निरहुआ ही है। ये श्याम सिंह यादव जी हैं, ये IAS रहे हैं और बारीकी जो है जानते हैं कि समाज में कैसे काम होता है, सदन की कार्रवाई कैसे ली जाती है। समितियों के मेंबर छः छः समितियों के रहे, यहाँ पर हमारे जितने भी सांसद रहे हैं केवल एक दो समितियों के वो मेंबर सदस्य रहे हैं और उनको केवल TADA से मतलब रहा है। इन्होंने बारीकी से सारी समितियों के जाने के मतलब होता है, मौज मस्ती की बात नहीं होती है, समस्याओं को उठाना होता है, सर्वे करना होता है। आपने जिस कारण से इनको चुना, उन्होंने बाखूबी से अपना जो है वहाँ पर निर्वहन किया और ये अपने बच्चे के लिए ब्लॉक प्रमुखी लड़ाने के लिए, प्रधान लड़ाने के लिए, पत्नी को जिला परिषद अध्यक्ष बनाने के लिए या MLA लड़ाने के लिए, कोई रोजगार इनका बनाने के लिए इन्होंने प्रतिनिधित्व का काम नहीं किया। इसी के कारण इस वोट बेस पर आए हैं और इन्होंने जो है आपकी सेवा बराबर की है, बड़े बड़े कामों के लिए उठाया है, रेलवे के विषय में उठाया है और अपने क्षमता के हिसाब से आपकी सेवा की है और बाकी परिणाम जनता का। सांसद जी एक बात कहते हैं कि मैं मुझ में एक कमी है, मैं माफिया नहीं हूँ। सांसद जी में जरूर एक कमी है कि उन्होंने घोटाला नहीं किया है, वो जेल नहीं है, इसमें इनकी डीमेरिट है, इसमें इनको जो है 100 नंबर मिल सकता है क्योंकि कभी जेल नहीं गए, कभी जो है किसी का अपहरण नहीं किया, किसी गुंडई नहीं किया, न ठेकेदारी किया, अपने पेंशन से अपना काम चलाते हैं, कोई कमजोर नहीं है। सबसे बड़ा गुंडा प्रशासन होता है, तो सबसे बड़े प्रशासन का अधिकारी है, सबसे बड़े गुंडा कहे जा सकते हैं, लेकिन मजबूरी ये होती है कि पढ़े लिखे आदमी हैं और समाज जो है अगर गुंडा परस्त है, अगर गुलाम परस्त है, उसको कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जनता भगवान होती है, निश्चित रूप से निर्णय पक्ष में आएगा और हर समाज के लोग इनको वोट देंगे। क्या बात है, और भी कुछ लोग हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या कहेंगे सर? आज जो है जन समर्थन मांगने सांसद जी पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? आदरणीय श्याम सर हमारे वर्तमान सांसद हैं और आप फिजिक्स और मैथमेटिक्स के हैं और आप एक प्रशासनिक अधिकारी के पद पे रहे और आप एक ईमानदार अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेसी का आपको तजुर्बा रहा और संसद में कई बार भी आपने सवाल उठाया है, छुट्टा जानवरों के बारे में सवाल उठाया है और आपने कहा कि मैं इनको योगी मोदी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कहे को क्या कहा जाता है, मैं कहूँगा तो आप नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन सर का इशारा स्पष्ट वही रहता था। हमारा जो NH 56 बना हुआ उस पर भी चूँकि आवारा पशु आ जाते हैं, उसकी बैरिकेटिंग की बात हुई थी, कुछ थोड़ा सामने करो यार, तो कुछ जो है हमारे कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पर रोज अक्सर एक्सीडेंट हुआ करता था। होता ही है कि जब मेट्रो सीमेंटेड रोड मिलती है तो एक सम्मोहन होता है, गाड़ी की रफ्तार तेज हो जाती है, ऑटोमेटिक हाई टेक्नोलॉजी की गाड़ियां हैं जो 100 के ऊपर चलती हैं और सम्मोहन में पता लगता है कि कब हमारे ड्राइवर को झपकी लग गई, पूरा का परिवार नाश होता है। इस मुद्दे को कई बार सर ने उठाया था। मित्रों सबसे कठिन होता है जब आप सत्ता पक्ष के नहीं रहते हैं और आपको अपने जिले के लिए जब मांगना होता है तो भरी हुई संसद में जिस तरह से जहाँ पे बहस होनी चाहिए, संविधान की बात होनी चाहिए, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो लोग खाली गुजरात लॉबी गज्जू भाई लोग हमारे सरकार चला रहे हैं और माननीय गृह मंत्री और माननीय सम्मान सर माननीय प्रधानमंत्री जी ही दो लोग ऐसे हैं, बाकी सब इन्होंने अल्लाह मियाँ की भर्ती कर ली है। जो मोदी जी से नज़र मिला के बात नहीं कर सकता है उसको यहाँ से फेंकते चले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि मोहन लाल यादव कौन यादव जी को शिवराज जी को रिप्लेस करके उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन किसी जिससे BJP कोट करेगी ये नहीं लाभी बात है। इसकी नहीं बात इसकी नहीं होती। आप मोहन लाल यादव को लाए, आपने किसी यादव को टिकट MP में नहीं दिया, आपने वसुंधरा राजे को हटा दिया, आपने रमन सिंह को हटा दिया। तो मैं एक शेर कहना चाहता हूँ अपनी बात को समाप्त करूंगा इसी बारे से कि जिनके लिए लुटा दिए वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए, रमन सिंह के लिए और ये हमारे आडवाणी जी के लिए और हमारे जो और भी लोग जो मार्गदर्शक मंडल में भेज दिए गए हैं उनके लिए मैं एक शेर अर्ज कर रहा हूँ। जिनके लिए लुटा दी मैंने जमाने की दौलतें, उन वारसानों ने कफन नाप के दिया। मित्रों यही वाजपेयी जी की तेरही का इन्होंने जो रू डाली यानी जिसको कहते हैं रण रोवन,
ये बीजेपी पार्टी हर चीज को इवेंट में बदलती चली जाती है और केवल मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम करती है। तो मैं कहूँगा आप जाति पात पे नहीं, आप जो है श्याम सर को संसद में फिर पहुँचाएं, क्योंकि सार्थक मुद्दों को उठाया गया। जौनपुर का दुर्भाग्य है, अभी तक जितने 2 साल तो कोविड में भेंट हो गया, 2 साल कोविड में निकल गया, 3 साल बचा। 3 साल में हाँ सर की एक कमी रही, इन्होंने विद्यालय के प्रबंधकों को 20% 30% पे पैसा, 40% पे क्या, वो 50% पे पैसा दिया जाता है जिसको सर ने नहीं दिया, उसके लिए थोड़ा सा नाराजगी हो सकती है। लेकिन सर का जो है विकास किया है, सर ने सोलर लाइट वगैरह पैनल वगैरह सब लगवाया है, और ये सौभाग्य की बात होगी कि जौनपुर के लिए कि श्याम सर दोबारा चुन किया हमें। क्या नाम, शुभ नाम सर आपका? शैलेंद्र विक्रम सिंह नाम है मेरा भैया। आप जो है छत्री हैं, लेकिन छत्री कहा जाता है तो बीजेपी के, देखिए जाति पाति से कुछ नहीं, हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है, हम भी राम के भक्त हैं, राम किसी की बपौती नहीं है, ये देश सबका है, किसी की बपौती नहीं है। आप कहते हैं कि हमको वोट दे दो, ये जो फियर फैक्टर का काम कर रहा है, डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर कहता है कि आप अभी तक कहाँ थे, आपको हड़का के हार्निया अपेंडिस का ऑपरेशन कर रहा, आपको आईसीयू में डाल दे रहा है, 10,000 रुपये ले ले रहा है, तो एक फियर फैक्टर आया है। ये देखी देखा डॉक्टरों ने भी सीखा है, जिनके जो कि शपथ लेते हैं कि मानवता की पीड़ित की सेवा करेंगे। एक पहले हमारे बचपन में पर्चे पर लिखा जाता था बी सर्व ही क्योर, ठीक, बी सर्व ही क्योर, हम सर्विस देते हैं भगवान अच्छा करता है। लेकिन अब वही फियर फैक्टर हो गया है, देश पाकिस्तान कैसे हो जाएगा, हमारे मुस्लिम भाइयों का भी योगदान है देश के विकास में, हमारे मुस्लिम भाई सबका योगदान है, और ये भारत एक दिन तैयार नहीं हुआ, 47 की आज़ादी से पहले भी और बाद में भी, 1857 गदर से हिंदू मुस्लिम कौमी एकता गंगा जमुनी तहजीब रही है और रहेगी, किसी के डराने से किसी के धमकाने से हम अपनी तहजीब तमीज को नहीं भूलेंगे। संसद में बहस होनी चाहिए, संसद में गाली गलौज और धमकाने चमकाने का काम नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि सारी सरकार देखिए अभी तक इसके पहले बदले की राजनीति अभी तक ने, मित्रों प्रतिशोध की राजनीति बंद होनी चाहिए। जय हिंद, जय समाजवाद, जय भीम। क्या कहेंगे सर आपसे, जो आप लोगों से जन समर्थन मांगने निकले हैं सांसद जी, क्या कहेंगे? देश के सबसे बड़ी पंचायत में माननीय सांसद महोदय ने अपने कार्यों का बखूबी निर्वहन किया है 5 वर्षों में। हम समझते हैं कि जिस तरह से इस देश में हमारे बड़ी पंचायत, देश की सबसे बड़ी पंचायत में जिस तरह से भ्रष्टाचारी लोग, जिस तरह से अपराधी लोग, जिस तरह से इस हमारी संसद में लगभग 80% लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे कायम हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार से लगे मुकदमे कायम हैं, बेदाग छपके नहीं हैं, वे हमारे लिए बेदाग कानून नहीं बना सकते। इसलिए माननीय सांसद जी जो हमारे हैं, वर्तमान सांसद, बेदाग छपके व्यक्ति हैं, इनके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है, इनके ऊपर कोई ऐसे आर्थिक मामले के मुकदमे नहीं हैं। तो सांसद जी जो है जो एक समान व्यक्ति की तरह है, हर व्यक्ति से जो है उनका जुड़ाव रहा है, समाज के हर तबके से जुड़ाव रहा है, हर तबके से जुड़ाव रहा है। इन्होंने संसद में जो है जनपद जौनपुर के जो भी मुद्दे रहे हों, चाहे सड़क के मुद्दे रहे हों, चाहे पुल के मुद्दे रहे हों, उन्होंने बखूबी निभाया, और समाज के जो भी अन्य समाज में इस जो अन्य भी परेशानियाँ रही हैं, वर्तमान परेशानियाँ रही, उन मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखा। क्योंकि सांसद महोदय जो है सिटिंग वो रूलिंग पार्टी से नहीं थे, इसलिए बहुत ज़्यादा विकास का काम नहीं हो पाया, लेकिन जो भी हुआ है अपनी बात रखे हैं, सारी बात रखे हैं, और उनसे उम्मीद करते हैं कि पुनः फिर जो है चुन के आए। और आप लोग चाहते हैं? जी जी, हम चाहते हैं पुनः जो है सांसद महोदय चुन के आए और हमारे बीच में एक समान व्यक्ति के रहें, और समान व्यक्तियों के लिए, जैसे आम जनमानस के लिए जो बेहतर से हो बेहतर वो काम करें, और पूरी जनता के मनोभावों को, हमारी बात को संसद में उठाएं, हमारे विकास के लिए, देश के विकास के लिए जितने मुद्दे हों वो हमारी बखूबी रखें। हम संसद महोदय से क्या कहेंगे सर, इस बार जो है फिर से लोग कह रहे हैं कि
भैया लोग कह रहे हैं फिर से सांसद जी को बनाया जाए। बिल्कुल सांसद जी में कोई गड़बड़ी नहीं है, सांसद जी बेदाग और ईमानदार छवि के नेता हैं और जाति पात से धर्म से ऊपर उठ करके सबके लिए जो है सबके बातों को रखते हैं और पार्लियामेंट में जो है सवाल रखते हैं, विकास के लिए रखते हैं। और कोई सत्ताधारी जो है पार्टी के तो जो है मेंबर थे नहीं, और आपकी पार्टी का जो है संख्या बल भी बहुत कम था, उस आधार पे तो केवल लोकसभा में जो एक लिमिटेड टाइम इन पार्टी के सदस्यों के आधार पे मिलता है उसमें अपनी बात को कहना और अपने उस डेवलपमेंट को करवाना वो बहुत बखूबी किए। और 5 वर्षों में सबसे अच्छी चीज़ ये रही कि इनके पास गरीब अमीर आदमी बेधड़क जाके मिल सकता है, अपनी बात कह सकता है। बाकी सत्ता है, पार्टी की सत्ता नहीं है तो काम होना न होना, प्रशासन उसको सुनेगा नहीं सुनेगा वो दूसरी बात है, लेकिन सामान्यतः जो है एक ऐसा हमें सांसद चाहिए, हमें एक ऐसा सांसद चाहिए जिसपे जो है आसानी से हम मिल सकें, बात कर सकें। वो चीज़ें, वो गुण जो है हमारे वर्तमान सांसद में मौजूद हैं। तो आप लोग फिर से चाह रहे हैं? हम लोग तो चाह रहे हैं, क्योंकि इनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा योग्य तो कोई व्यक्ति इस समय है नहीं, या पूर्व रिटायर्ड अधिकारी भी रहे हैं और इतने सहज और सरल हैं, तो हम लोग तो चाहेंगे कि इनसे बेहतर जो है जौनपुर में कोई। सपा भाजपा को कहाँ देख रहे हैं? देखिए हम आप सवाल पूछ रहे हैं अधिवक्ता समाज से, हम लोग अधिवक्ता समाज से आते हैं, तो अधिवक्ता समाज में जो है जातिवादी और धर्मवादी व्यवस्था चलती नहीं है। तो जहाँ अधिवक्ता समाज से आप सवाल पूछ रहे हैं तो जहाँ जातिवाद और धर्मवाद है ही नहीं है, तो वहाँ हम तो वो ही ओपिनियन करेंगे, सब लोग मिलजुल करके इनको पुनः सांसद बनाइए। शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम श्वेताभ पांडे है। कहा जाता जो ब्राह्मण हैं बीजेपी की तरफ हैं, ब्राह्मण लोग। यह आपकी गलत अवधारणा है, यह अवधारणा बनाइए कि ब्राह्मण जहाँ जाता है वहीं सरकार बनती है, ठीक है? ब्राह्मण किसी के बाप की बपौती नहीं है, ना हम बीजेपी के हैं, ना सपा के हैं, ना बसपा के हैं, ठीक है? हम किसी के नहीं हैं, ना किसी की नौकरी किए हैं और ना किसी के बंधुआ मजदूर हैं। हाँ, हम लोग हमारी कौम ये अलग है कि हमारी कौम बुद्धिजीवी कौम मानी जाती है, और वह जो राष्ट्र के लिए उपयोगी है सामान्य जनमानस के लिए होगा। ब्राह्मण का क्या काम, क्या ब्राह्मण राष्ट्र जागृत पुरोहिता? ब्राह्मण का काम ही है कि जो है कि राष्ट्र को जागृत करने के लिए वो आगे आवे, तो जो सही हो, जिसमें राष्ट्र का उत्थान हो, जिसमें लोगों का हित हो, जिसमें जनहित में विष पीने की पाई हमने क्षमता है, भगवान शिव ने जब जनहित में विष पिया है तो ब्राह्मण तो हमेशा जो है जो सार्वजनिक काम होता है उसमें हमेशा बढ़ चढ़ के आगे रहता है, उसी लिए उसका विरोध भी होता है। क्या बात है। और कुछ लोग हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर क्या कहेंगे सांसद जी, आप लोगों से जनसमर्थन मांगने निकले? देखिए आज ये 17वीं लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 18वीं होगी ना कि 17वीं, 18वीं लोकसभा का चुनाव चल रहा है और देश ऐसे परिस्थितियों से गुजर रहा है कि पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, और देश को हमारे ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिल गया है कि वो धरातल छोड़ करके हवा हवाई बातें करते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ नित्य नई प्रस्तुत करते हैं कि जिससे पूरे देश पर खतरा मंडराना शुरू हो गया है। स्थिति यह है कि संविधान के विषय में तो इनके जो लीडरशिप है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए, अभी यही बगल की लोकसभा सीट है फैजाबाद, जिसको नाम बदल करके अयोध्या किया गया उस जनपद को, तो उनके द्वारा ये कहा गया कि 400 पार मुझे इसलिए चाहिए कि संविधान को बदलना है। दक्षिण भारत से इसी तरह के एक सांसद आए, तो इन सारे लोगों की ये स्थिति बन गई है कि जो आपका आपकी जुडिशरी है, सीजीआई हैं, उनके द्वारा पारित फैसले को ये सदन में ले जा करके ओवर रूल कर दे रहे हैं। मीडिया जो हमारा चौथा पिलर है उसको ये उखाड़ फेंकने का काम कर रहे हैं। जो आनेस्टी से पत्रकारिता करेगा वो कहीं ना कहीं इनसे प्रताड़ित होगा। अब टीवी चैनल को खोल दीजिए या जो हमारे विश्लेषक हैं उनको सुनने लगी है आप, तो वो नाम आ जाता है गोदी मीडिया, तमाम सारी चीज़ें इस तरह की चलने लगती हैं। और जो आनेस्टी से पत्रकारिता कर रहे हैं हमारे जो चौथे स्तंभ हैं, यहाँ तक कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया
वो भी डरी सहमी है इनसे। ये अपनी इतनी तानाशाही स्थापित कर दिए हैं कि पूरे जनता और जनमानस में बौखलाहट की स्थिति है, और ये उनसे दूरी बना करके भाग रही है। और माननीय सांसद जी एक ऐसे सांसद हमारे हैं जो हमारे जनपद की बात, मेरे अपने जानकारी में जो बात आती है, जो सदन की कार्रवाई हम लोग सुनते हैं मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से और टीवी के माध्यम से, तो उसमें राजा यादवेंद्र दत्त दुबे के बाद पहले कोई ऐसे सांसद रहे हैं जो सदन की कार्रवाई में बखूबी भाग लिए हैं और जनपद जौनपुर की और देश के जनहित की बात अच्छी तरह से सदन में रखा है इन्होंने। तो ऐसे लोकप्रिय सांसद को हम लोग चाहते हैं कि जनता पुनः वापस लाए, और इस जो आपताई गवर्नमेंट चल रही है हमारी हमारे देश की, जो चाइना के संबंध में, मणिपुर के संबंध में तमाम सारी जो घटनाएं हो जा रही हैं, जैसे यही हमारे आपके बगल में BHU है, BHU भारत का कैम्ब्रिज कहा जाता है, इनके मीडिया सेल IT सेल के तीन लड़के जा करके IIT की छात्रा के साथ जबरदस्ती बलात्कार करते हैं। ये माननीय मोदी जी का क्षेत्र है, माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है। आज तक एक भी स्टेटमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिया उसके संबंध में, माननीय चीफ मिनिस्टर जी ने उसके संबंध में एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया। और उल्टे हुए क्या कि जब इन लड़कों का नाम आया उसके साथ बलात्कार करने का, तो इनको मध्य प्रदेश के चुनाव में प्रचार करने के लिए लगा दिया गया। बनारस की पुलिस 1.5 महीने तक उनके ऊपर FIR नहीं करती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है। जब बच्चे आंदोलन पर उतर गए तो वो लाठियां भी खाते हैं, इसके बाद उनको उनके खिलाफ FIR दर्ज किया जाता है। लेकिन आज तक मोदी जी, योगी जी उसके संबंध में एक भी बात नहीं बोलते। इनके जितनी लीडरशिप है, आप देखिए, यहीं सांसद चिन्मयानंद जी थे, 376 के मुकदमे में वो भी वांछित थे, मुकदमे वापस करा लिए जाएं, होस्टाइल करा लिए जाएं। इसका मतलब ये नहीं कि अपराधी अपराध नहीं किया, होस्टाइल हो जाना ये नहीं सिद्ध करता कि आप अपराध की श्रेणी से निकल गए। एक प्रज्वल रेवन्ना का भी काफी मामला, प्रज्वल रेवन्ना जिसके संबंध में मोदी कहते हैं ये मेरे परिवार के हैं, इनको वोट देंगे तो मुझे वोट देंगे, इनको मजबूत करेंगे तो मैं मजबूत होऊंगा। बाप तो जेल में है, बेटे को ये भगा दिए, बाहर चले गए, एक तीसरा व्यक्ति और आ गया उसमें, लेकिन एक भी शब्द माननीय प्राइम मिनिस्टर जी उसके संबंध में नहीं बोल रहे हैं। सेंगर जी ही हमारे विधायक रहे हमारे उत्तर प्रदेश में विधानसभा के, एक भी शब्द ये उनको बचाते रहे, लगातार बचाते रहे, बचाते बचाते जब नहीं बच पाया तब इनके खिलाफ मुकदमे पंजीकृत किए गए, उसके विटनेस को मारे गए। आप देखे होंगे वहाँ वाला सहारनपुर वाला कांड, तमाम जितनी भी घटनाएं हुई हैं इनके, आप देखे होंगे इनका दयाशंकर सिंह वाला, दयाशंकर सिंह इस समय हमारे यहाँ परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने जब बहन जी के ऊपर टिप्पणी की, माननीय मायावती जी के ऊपर टिप्पणी की, तो उनको बैकफुट पर डाल करके उनकी पत्नी को चुनाव लड़ा करके मंत्री बना दिया गया, फिर इस रिजीम में उनको ड्राप करके उनको लड़ा करके फिर पुनः चुनाव लड़ाकर विधायक बना करके मंत्री बनाया गया। यही स्थिति जी आ जाएंगे, यही स्थिति आप सांसद जी को देख लीजिए, टेनी जी को देख लीजिए, टेनी की भी वही स्थिति है। आप ये ब्रिजभूषण शरण जी को देख लीजिए, उनको FIR करके जेल में नहीं डाला गया, एक साधारण व्यक्ति के ऊपर खिलाफ तो काट दिया गया, उनका टिकट नहीं काटा गया। अरे भाई, फरिश्ते जुबा पढ़ते होंगे, खुदा को राम कहते होंगे, उनका टिकट काटा गया, उनके बेटे को दिया गया, और उनका बेटा ही तो था जिस गाड़ी से किसान रौदे गए, उनका बेटा ही तो था, दूसरा कौन था, और उसको टिकट दिया गया, उनकी पत्नी को टिकट दे दिया जाए। अब पूरे देश में भाजपा के पास अपराधियों के अलावा कोई कार्यकर्ता नहीं है। बार बार RSS ये रिपोर्ट भी करती है, लेकिन फिर भी
वो जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको नहीं हटाएंगे, उनको वो टिकट देंगे, उनसे सीट निकलवाएंगे, उनसे अपना सदन चलवाएंगे, दबंगई कराएंगे, ये स्थिति है। बाबा जी तो बुलडोजर लेके चल ही रहे हैं। अभी हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे जो बसपा सांसद हैं और जन समर्थन मांगने निकले थे क्योंकि बसपा से प्रत्याशी बनाया गया है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।